नमस्कार दोस्तों, आज हम खाली गेहूं चावल की बोरी से एक बहुत ही मजबूत सा बैग बनाएंगे। गेहूं चावल की बोरी से बने हुए बैग काफी मजबूत होते हैं। इसमें आप भारी से भारी सामान रख सकते हैं। कपड़े के जो बैग होते हैं, जब उसमें हम भारी सामान रखते हैं या तो फट जाते हैं या उनकी सिलाई उधड़ जाती है, लेकिन इस तरह के बैग काफी मजबूत होते हैं। बने हुए बैग में आप घर का राशन ला सकते हैं, घर की सब्जियां ला सकते हैं या कोई भी भारी सामान लाने ले जाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसे अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे। अब सबसे पहले इंचों को इस तरह रखेंगे, 20 इंच में निशान लगाएंगे, पूरे में 20 इंच में निशान लगा लेंगे। अब देखिए निशानों को मिला लेंगे। अब इसे सीधा कट कर लेंगे, एक साइड से इसे कट कर लेंगे। अब इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। लेंथ है इसकी 32 इंच, विड्थ है इसकी 20 इंच। अब इसे हम अलग रख देंगे। अब देखिए राइस बैग में से ही सेम साइज की दो पट्टियाँ मैंने और कट की हैं। लेंथ है इसकी 18 इंच, विड्थ है इसकी 1 इंच। अब मैंने दो कपड़े के सेम साइज के पीस कट किए हैं। लेंथ है इसकी 18 इंच, विड्थ है इसकी 4 इंच। अब एक पट्टी लेंगे। अब देखिए इसे सेंटर में रखेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब फिर से इसे लेंगे। अब देखिए कॉर्नर से इंची टेप को रखेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे, इधर से भी रखेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे, इसी तरह इस तरह भी निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। अब एक हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसका दूसरा सिरा इस निशान पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरफ आएंगे, दूसरा हैंडल लेंगे, इस तरह निशान पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब इसी साइज का एक कपड़ा लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ करेंगे, इस तरह से रखेंगे इसे बराबर इसके ऊपर। देखिए इस तरह से अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें पहले पिनअप कर सकते हैं। ये देखिए अब इसे इस तरह पलट लेंगे। देखिए इस तरह से अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर घुमाते हुए इसके चारों तरफ किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसके चारों तरफ हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। ये देखिए अब देखिए इंची टेप को इस कॉर्नर पे रखेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए इस सिलाई को छोड़ के इस तरह रखेंगे, फिर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। ये 3x3 इंच का एक बॉक्स हमने यहाँ पे बना लिया है, इस तरह 3x3 इंच का एक बॉक्स यहाँ बना लेंगे। अब इन्हें कट कर लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे। अब देखिए कपड़े की पट्टियां ली है मैंने दो, विड्थ एंड की 2 इंच। अब इन दोनों सिलाइयों को कपड़े की पट्टी से कवर कर लेंगे। देखिए दोनों सिलाइयों को हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिया है। कपड़े की पट्टी से कवर करने से इसमें सिलाई में काफी अच्छी मजबूती आ जाती है और अच्छी फिनिशिंग भी आ जाती है। अब देखिए इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, इस तरह से यहां तक सिलाई लगाएंगे। दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे, इसमें भी यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब इन कॉर्नर्स को भी कपड़े की पट्टी से कवर कर लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर को हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिया है। ये देखिए अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए बैग को हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए देखिए काफी बड़े साइज का बैग बन गया है। ये देखिए अब आप चाहें तो इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। आप देखिए इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से इस कॉर्नर से बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, इसे बराबर कर लेंगे इस तरह से। इस तरह रखेंगे,
इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। फिर इस कॉर्नर से पकड़ेंगे बिल्कुल सीधा, देखिए इस तरह से, इसके भी बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। हमने किनारे किनारे पे सिलाई देखी, ये देखिए हमारा मौजूद बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए